Let's continue with our chapter, chemical bonding. So, chemical bonding. Okay. Homework में कुछ questions, doubts and all रहेंगे तो हम लोग doubts lecture अलग से रखेंगे तभी हम लोग solve कर लेंगे. Okay. So, chemical bonding में हम लोग क्या कर रहे थे? कौन सा topic हम लोगों ने start किया था? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है. एंड आइसोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने बाइनरी कंपाउंड्स देख लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. तो बाइनरी कंपाउंड्स हम लोगों के हो गए थे. आज हम लोग देखने वाले ऑक्सोसॉल्ट्स. तो सेकेंड कैटेगरी बाइनरी कंपाउंड के बाद सेकेंड कैटेगरी आती है ऑक्सोसॉल्ट्स की, ठीक है. तो ऑक्सोसॉल्ट मतलब क्या? तो ऑक्सीजन के सॉल्ट. अब ऑक्सीजन के सॉल्ट के अगर मैं एग्जांपल तुम लोगों को देने जाऊं तो तुम लोगों के पास आ सकता है CO3-2 कार्बोनेट, NO3- CO4-3 फॉस्फेट, SO4-2 सल्फेट, NO2- नाइट्राइट. इसे नाइट्राइट बोलते हैं, इसे नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है. लाइकवाइज CLO3- क्लोराइड एंड CaO4- परक्लोरेट, ठीक है. तो ये हो गए सारे ऑक्सीजन के सॉल्ट या फिर ऑक्सो सॉल्ट. अब इनमें अगर कुछ नहीं, हम लोग जस्ट यही देख रहे हैं कि ऑक्सो सॉल्ट का हम लोगों का कैसे आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है. तो दिस इज द फ्रेश टॉपिक, याद ही हम लोगों को लिखना है. अब अगर इनमें हम लोग कंपेरिजन करना है तो कंडीशन क्या है कि कौन से स्ट्रक्चर एक दूसरे को मैच करेंगे, ठीक है. कौन से दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फ करेंगे, उसके हम लोगों के पास कंडीशन क्या होनी चाहिए. तो अगेन नंबर वन कंडीशन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम. अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या? तो अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं NaNO3 का, ठीक है. अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं NaNO3 का एंड NaClO3 का, ठीक है. एंड ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और सेकेंड एग्जाम्पल में बोल रहा हूं NaNO3 एंड NaClO4. मुझे बताओ फर्स्ट एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिजेंबल कर या सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? कहां पे तुमको सेम दिख रहा है या फिर सेम कहां पे दिख रही है, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में? अगर तुम लोग एटम्स का इशू लोगे तो यहाँ पे एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन है. सिमिलरली यहाँ पे एक सोडियम, एक क्लोरीन और तीन ऑक्सीजन है, और तीन ऑक्सीजन एक डिस्कनेक्ट हो गया था. Am I audible? Yes, sir, you are audible. सर आप बहुत लैग हो रहे हो. हाँ सर आपका लैग हो रहा है. तो एम आई ऑडिबल? आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था.
ओके तो यहाँ पे मुझे बताओ फर्स्ट वाले में फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है या सेकंड वाले में फॉर्मूला रिजेंबल कर रहे हैं? दोनों फॉर्मूला कहाँ पे रिजेंबल कर रहे हैं? फर्स्ट वन, बराबर। तो अगर सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो अगर सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग बोल सके तो ये आइसोमॉर्फिज्म दिखा सकता है, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम रह सकते हैं। बट सेकंड वाले स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिज्म रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, ठीक है। याद रखो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्म और शेप, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब फॉर्मूला वाइज अगर देखने जाएंगे तो फर्स्ट वाले का शेप या फिर फॉर्म सेम हो सकता है, बट सेकंड वाले में अगर फॉर्मूला ही पूरा डिफरेंट है तो शेप सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन थी, बट एक ही कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं। हम लोगों के पास और एक सेकंड कंडीशन आती है, दैट कटायन एंड अनायन must have almost same size, एंड ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ही चेक किया था, डिस्कस किया था कि हाँ कटायन और अनायन की साइज सेम रहनी चाहिए, तो बाइनरी कंपाउंड के साथ ये पॉइंट मैच करता है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है anion should have same geometry, or it is also called as hybridization, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों का हुआ नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है वो पार्ट, ठीक है। बट अभी के लिए तुम लोगों को एक सिंपल चीज बता रहा हूं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए तुम लोगों को क्या याद रखना है, अगर ऑक्सो सॉल्ट कार्बन नाइट्रोजन या फिर बोरॉन के, ऑक्सो सॉल्ट अगर कार्बन नाइट्रोजन या फिर बोरॉन के, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। क्या होती है? sp2। मतलब ये कैसे दिखेंगे? तो ये ऐसे कुछ दिखेंगे, बीच में कोई एक मॉलिक्यूल होगा और उसके आजू बाजू में दूसरा एक मॉलिक्यूल, मतलब हमारा ऑक्सीजन होगा, ये ऐसे कुछ दिखेंगे, ठीक है। इस शेप को हम लोग बोलते हैं, देखो ज्योमेट्री या फिर शेप, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन, इनके कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। इसका मीनिंग हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो इनके कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। और इनका शेप कैसे रहता है? तो बीच में कार्बन नाइट्रोजन और बोरॉन, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, बाजू में ऐसे तीन ऑक्सीजन, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। और उसी बदले अगर ऑक्सो सॉल्ट इज ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है, ऐसे टाइम पे हमारा शेप हो जाता है sp3। ये वर्ड्स तुम लोगों ने सुने होंगे शायद। इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन अगर बीच में है तो ऑक्सीजन ऐसे कुछ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस शेप का किसी को नाम याद है? ओके, ये नेगेटिव चार्जेस दिखाने की जरूरत नहीं है। इस शेप का किसी को नाम पता है? तो दिस शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल दिखता कैसे है? तुम लोगों ने, सब लोगों ने कैमरा स्टैंड देखा होगा। कैमरा स्टैंड कैसे रहता है? बीच में कैसे पॉइंट रहता है, उससे नीचे की तरफ तीन लेग्स निकलते हैं और ऊपर यहाँ पे हम लोग कैमरा अटैच करने के लिए जगह रहते हैं जहाँ पे तुम लोगों का कैमरा आ जाता है। तो सेम ये कैमरा स्टैंड जैसा ही दिख रहा है, देखो। तो कैमरा स्टैंड वाले इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो मुझे बताओ कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन, इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे को आइसोमॉर्फस रहेंगे, और फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे को आइसोमॉर्फस रहेंगे, बट कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन के कंपाउंड्स फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन के साथ आइसोमॉर्फस हो सकते हैं क्या? कार्बन नाइट्रोजन बोरॉन और फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन, इन दोनों के कंपाउंड अभी आइसोमॉर्फस हो सकते हैं क्या, अगर इन दोनों का शेप ही चेंज हो गया तो? बताओ, ऑक्सो सॉल्ट, ओके वाव,
oxosalts are salt of oxygen. For example, CO3, NO3, PO4, SO4, NO2, ClO4, ClO3. ठीक है, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड जो रहते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सो कंपाउंड या फिर ऑक्सो सॉल्ट्स बोलते हैं. इनसे जो सॉल्ट्स बनाएंगे उन्हें हम लोग ऑक्सो सॉल्ट्स बोलेंगे. ठीक है, तो उनमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. अगेन मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम जैसे बताया था, ये सेम चीज तुम लोगों को सॉलिड स्टेट में रिपीट होने वाली है. अभी जस्ट हम लोगों को एक छोटी सी आइडिया चाहिए. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं अभी तुम लोगों को पूछूं NaNO3 एंड NaClO3, ठीक है, ये दोनों किसके कंपाउंड्स है, तो ऑक्सीजन के सॉल्ट है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सो सॉल्ट बोलेंगे. ठीक है, अब मुझे बताओ NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ वाले कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, एंड उसी बदले ClO3 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sp3. ठीक है, अब मुझे बताओ ये sp2 है, ये sp3 है, दोनों आइसोमॉर्फस होंगे या नहीं होंगे? अब ये दोनों आइसोमॉर्फस बोलोगे क्या तुम लोग? तो नहीं सर, तो दे आर नॉट आइसोमॉर्फस. फर्स्ट कंडीशन इन्होंने फॉलो की थी कि स्ट्रक्चर सेम दिख रहा था, बट इनके हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट रहने की वजह से दीज कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमॉर्फस. ठीक है, तो ये तुम लोगों का सेकंड एग्जांपल है, ये भी आइसोमॉर्फस नहीं है. ठीक है, तुम लोगों को सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है, सिर्फ अभी के लिए रूल्स याद रखो, बाकी चीजें ये चैप्टर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. अब मुझे बताओ इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं क्या, इस केस में इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिजेंबल कर रहे हैं क्या, यस और नो, जस्ट मैसेज सेंड करो. यस, बराबर. तो देखो, बोरॉन एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, चलेगा. पोटेशियम एक, मैग्नीशियम, मैंगनीज एक और ऑक्सीजन चार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिजेंबल कर रहे हैं. अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो SO4 है इसका कंपाउंड है किसका है, सल्फर का है, तो सल्फर का कंपाउंड रहने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, सल्फर वाला कंपाउंड है. और MnO4 इसका रहता है sd3. ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, बट इट इज सेम लाइक sp3, मतलब इनके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, सेम हो गई. ये भी हम लोग MnO4 का पार्ट आगे पढ़ेंगे, बट तुम लोगों को अभी से अगर नोट्स में थोड़ा बहुत याद रहे तो बाद में जाके ये याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये sp3 है और यहाँ पे भी ये sp3 को रिजेंबल कर रहा है, तो मुझे बताओ दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस और नॉट, इसके भरोसे पे हम लोग इसको आइसोमॉर्फस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे. तो दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस. ठीक है, क्यों आइसोमॉर्फस है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और इनका इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही है. ठीक है, तो लाइक वाइज और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल इज FeSO4.7H2O एंड ZnSO4.7H2O. ठीक है, FeSO4 का एक नाम है, इनके नाम लिख देना, ये FeSO4 को हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल. क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल. एंड ZnSO4 को हम लोग बोलते हैं वाइट विट्रियोल. कोई और एक रहता है क्या, और कोई रहता है ग्रीन और व्हाइट के साथ, और कोई विट्रियोल रहता है क्या, ब्लू विट्रियोल. एंड करेक्ट है, तो ब्लू विट्रियोल. एंड ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला एक्चुअल में रहता है CuSO4.5H2O. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो जाता है, इसलिए मैं एग्जांपल में ले नहीं रहा हूँ, बिकॉज देन ये आइसोमॉर्फस नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, तो दिख रहा है. यहाँ पे मुझे बताओ इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा क्या, SO4 और SO4 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 और sp3. तो आर दे आइसोमॉर्फस, ये आइसोमॉर्फस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो इवन दीज आर करेक्ट आइसोमॉर्फस. ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, डोंट वरी, मुझे पता है तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि तुम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, बट इस चैप्टर में ही हम लोग स्टडी करेंगे, तब तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो ये जरा छोटा सा लिख लो. ऑल राइट, अगेन
मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसे कुछ पार्ट छोड़ना नहीं है जो तुम लोगों का अभी तक कवर नहीं हुआ, इसलिए मैं ना पढ़ाऊँ, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके तुम लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा। नोट्स में अच्छे से लिख के रखो, ठीक है, लिख लो, और लिख के हो जाए तो मुझे बता देना। तो फर्स्ट कंडीशन दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा यस यस आप करेंगे? और जूम आउट नहीं करता नहीं तो फिर तुम लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, दिखेगा नहीं अच्छे से, वापस स्क्रोल कर देंगे आप। ओके, लिखने की स्पीड थोड़ी बढ़ा दो। ओके, लिख के हो जाए तो बता देना, और पास लिखो, छोटे छोटे कंपाउंड भी बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए थोड़े बहुत। ओके, आई गेस सबका लिख के हो गया होगा, किसी का अगर लिख के लिखना बाकी होगा तो हैंड रेस कर दो। ओके, सो शुड वी मूव अहेड, अगर बाकी होगा तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन राइट इट लेटर ऑन। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, और बिलीव मी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर जरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, ये भी हम लोग एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, एंड आई गेस दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए तुम लोगों को क्या याद रखना है, तुम लोगों को एक सिंपल चीज याद रखनी है, तुम लोगों को याद रखना है लाइक डिसॉल्व्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब क्या, तो पोलार मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्स इन पोलार मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, अगर समझो इट इज प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे कैसे है, हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी, एक देखो हम लोगों ने देखी होगी फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टी 6 ही है, फिजिकल स्टेट देखी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखा, कंडक्टिविटी देखी,
फिर आइसोमेरिज्म देखा, फिर आइसोमॉर्फिज्म देखा, एंड अभी हम लोग सेलिब्रिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर समझो तुम लोग नए नए कॉलेजेस में गए या फिर नए नए तुम लोग क्लासरूम में आ गए, ऑफलाइन क्लासरूम में आ गए, तो होशियार बच्चे हमेशा एक साथ रहते हैं, जो पढ़ाकू रहते हैं, ठीक है, नर्ड्स काइंड ऑफ, एंड जो मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो कहाँ पे बैठेंगे, तो पीछे जाके बैठेंगे। बट अभी मस्ती करने वाला बच्चा मस्ती करने वाले बच्चे के साथ ही जाके फ्रेंडशिप करेगा, पढ़ाई करने वाला बच्चा पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ ही जाके फ्रेंडशिप करेगा। ऐसे कभी होता है क्या कि कोई मस्ती करने वाला बच्चा पढ़ाई करने वाले के साथ जाके बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई करने वाला बच्चा मस्ती करने वाले बच्चे के साथ जाके मस्ती कर रहे हैं? ऐसे बहुत रेयरली होता है, या फिर ना ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो उसी टाइप के कंपाउंड में डिजोल्व होगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स विल डिजोल्व इन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसे अगर एक्सप्लेन करने जाओ तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या, तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिनमें रहता है चार्ज सेपरेशन। क्या रहता है? चार्ज सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल NaCl में Na के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड दूसरा एक मॉलिक्यूल लेता हूँ जो तुम लोगों ने बहुत बार देखा है, वॉटर। वॉटर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है बताओ? वॉटर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहता है? तो वॉटर में ऑक्सीजन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से खींच लेगा, इसके वजह से उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज सेपरेट अगर हो गए, चार्ज सेपरेशन अगर हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया है, चार्ज सेपरेशन। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके। अब NaCl पोलर है, वॉटर पोलर है, तो NaCl मतलब अपना नमक, टाटा नमक, पानी के अंदर डिजोल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली NaCl वाटर में डिजोल्व होगा, बट ऑयल, ऑयल मतलब तेल, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को खुद से बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को पहले से इन्फॉर्म करके रखता हूँ दैट ऑयल इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, या फिर पेट्रोल इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, या फिर डीजल इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, अगर ये सारे कंपाउंड नॉन पोलर है तो इनमें सॉल्ट डिजोल्व हो पाएंगे क्या? तो ऑल आयनिक कंपाउंड आर सल्यूबल इन वॉटर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वॉटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। उसका रीजन एकदम सिंपल है, बिकॉज वॉटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये लिख लो सल्युबिलिटी के बारे में, एंड सल्युबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये जस्ट अभी शुरुआत है, अभी हम लोग आगे और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो तुम लोग मेरे साथ ही लिख रहे हो राइट? थोड़ा थोड़ा एकदम छोटी छोटी चीजें ही लिखा के दे रहा हूँ मैं अभी तक, ऐसे कुछ बड़ी चीज लिखा के नहीं दी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ना ना ना, अभी ये पूरा नया कंसेप्ट है, मतलब सॉल्युबिलिटी में ही हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोगों की प्रॉपर्टीज अभी आयनिक कंपाउंड की खत्म हो गई है, ये पूरा एक नया टॉपिक है, मस्त एक नए पेज पर लिखना है तो लिख सकते हो, अप टू यू। याद रखो मैं ये अवॉइड करता हूँ कि कोई एक नया टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है तो नए पेज पे लिखूं, उसका एक सिंपल रीजन है, अगर तुम लोग हर एक नए टॉपिक के लिए नया पेज वेस्ट करोगे तो पेज तो वेस्ट हो जाता है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स, करेक्ट है। तो याद रखो उससे पेज तो वेस्ट होता ही है, नो डाउट, बट सिमिलरली तुम लोग अगर हर एक नए टॉपिक के लिए नया पेज ओपन करोगे तो तुम लोगों के चैप्टर की लेंथ बढ़ते जाती है। जब तुम लोग स्टडी करने जाओगे और तुम लोग देखोगे कि अरे 100 पेजेस है, तो तुम लोगों को देख के ऐसे टेंशन आ जाती है कि अरे इतना हम लोगों को स्टडी करना है। उसी बदले जब तुम लोग चिंगूसी करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे, कम जितनी जगह हो सके उतनी यूज करोगे, तो चैप्टर की लेंथ कम हो जाएगी, पढ़ने के लिए इजी लगेगा।
तो मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई भी नया टॉपिक नए पेज पे ओपन करूँ या फिर लिखना स्टार्ट करूँ. इट इज अप टू यू देन. लेट मी सेव इट. मैसेजेस होस्ट वाले अकाउंट पे करना, को होस्ट वाले अकाउंट पे मत करो. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेशन और सॉल्वेशन. ठीक है, तो अब याद रखना हम लोग हाइड्रेशन बोलते कब है एंड सॉल्वेशन बोलते कब है. तो लिख के लो, लिख लो. व्हेन एन आयनिक कंपाउंड is dissolved in water, its ions are completely surrounded by its ions are completely surrounded by solvent molecules. ब्रैकेट में लिखना water molecules. ब्रैकेट में लिखना water molecules. comma. This process is called as solvation. आगे कंटिन्यू करो, मतलब फुल स्टॉप देन कंटिन्यू करना. Then its ions are completely surrounded by solvent molecules. ब्रैकेट में लिखना water. comma. This process is called as solvation. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं solvation. ठीक है, तो ये हो गई solvation की definition. उसमें ही आगे continue करो, full stop देके उसमें ही आगे continue करो. The energy released. The energy released in this process is called as solvation or hydration energy. तो अब याद रखो, अगर हम लोगों ने वॉटर यूज किए, मतलब मैंने कोई एक सॉल्ट लिया, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन. क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन. एंड उसी बदले हम लोगों ने वाटर के अलावा कोई और दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं HCl ले सकता हूँ, HBr ले सकता हूँ. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स भी पोलर रहते हैं, तो अगर मैंने वाटर को छोड़ के और कोई सॉल्वेंट ले लिया, अदर देन वॉटर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे?
उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन है, फिर हाइड्रेशन मतलब क्या, तो एक आयन का अब ओम बाद में वापस जरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, हम लोग जरा आगे पढ़ते हैं, ओके, तो वाटर के साथ हाइड्रेशन, सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेशन, ठीक है, तो होता कैसे वो जरा एक बार इमेजिन करते हैं, तो लेट्स सी, मेरे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन था, ठीक है, एंड लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने वाटर लिया है, ठीक है, क्या लिया है, तो वाटर लिया है, अब इस वाटर में मैंने ऊपर से ऐड कर दिया थोड़ा नमक, ठीक है, मैंने क्या ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, अब अंदर जाने के बाद नमक NaCl जो है वो NaCl ही रहेगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा, NaCl वाटर में जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो उसको क्या, उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बराबर, और उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन, क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन, तो NaCl हो गया डिसोसिएट, NaCl हो गया डिसोसिएट, ठीक है, अब मुझे बताओ इस Na और इस Cl को कौन घेर लेगा, तो इस Na और Cl को घेरने का काम करेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, मतलब कौन, तो यहाँ पे हम लोगों के वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये Na को ऐसे घेर लिया और इस Cl को ऐसे घेर लिया, गेटिंग इट और नॉट, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन, एंड अभी मैंने सॉल्यूशन में वाटर यूज किया है तो इसे सॉल्वेशन बोलूंगा या हाइड्रेशन, तो वाटर यूज करने की वजह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, समझ लो, तो देखो NaCl है, NaCl पानी में जाते ही मुझे बताना है साइज में कटायन बड़ा रहता है या अनायन बड़ा रहता है, मतलब रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन में किसकी साइज ज्यादा रहती है, अनायन की साइज ज्यादा रहती है, परफेक्ट, किसी को अगर आवाज ब्रेक होते हुए लग रहा है, मतलब मेरा आवाज सबको ब्रेक होते हुए सुनाई दे रहा है क्या, क्लियर आ रहा है, ओके क्लियर है, तो याद रखो अनायन की साइज बड़ी रहती है और कटायन की साइज छोटू सी रहती है, छोटा कटायन रहता है, अनायन बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने पानी के अंदर नमक ऐड किया, नमक अंदर जाके डिसोसिएट हो गया और वो एक उसने मुझे एक Na प्लस दिया और एक Cl माइनस दिया, Cl माइनस बहुत बड़ा है, Na प्लस थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अब जरा अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या होता है वो चेक करते हैं, तो देखो अज्यूम करते हैं ये मेरा Na प्लस का आयन है, ठीक है, इसे कौन घेरने वाला है, तो इसे वॉटर घेरने वाला है, ठीक है, वॉटर में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर में एक रहता है ऑक्सीजन, दूसरा रहता है हाइड्रोजन, कौन इसे पकड़ेगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पकड़ना चाहिए, परफेक्ट, नेगेटिव ऑक्सीजन पकड़ेगा, करेक्ट, तो वाटर कैसे सराउंड करेगा इसे, तो वाटर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ इसे मूव करके रहेंगे और होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव ऑक्सीजन इस पॉजिटिव Na को ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, गेटिंग इट, अब मुझे बताओ ये इतना बड़ा ऑक्सीजन है और इधर सिर्फ ऊपर की तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया है, तो ये बाजू की जगह पे और ऑक्सीजन या फिर और वाटर के मॉलिक्यूल आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, आ सकते हैं, करेक्ट, तो ऐसे टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, कितने आते हैं, टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, देख लो ये अच्छे से, ऐसे टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, एंड हर एक का नेगेटिव ऑक्सीजन इस बीच वाले सोडियम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
हाइड्रेशन। अब अच्छे से देखो, ये कंसेप्ट समझ लो, अगर मुझे इस पेन को ब्रेक करना है, ये पेन हम लोग एक बॉन्ड मानते हैं, क्या मानेंगे, बॉन्ड मानेंगे, ठीक है, इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, अगर इसे बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है तो मुझे इस पेन को एनर्जी देनी पड़ेगी या इस पेन से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इस पेन को ब्रेक करना है, फिर बॉन्ड है ये, इसे ब्रेक करना है, तो इस पेन को मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, परफेक्ट, ठीक है। तो अब एनर्जी अगर देंगे तो इस पेन की एनर्जी बढ़ेगी, बट वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके ओके ओके, इज इट क्लियर नाउ, अभी आ रहे, ओके तो देखो, बॉन्ड अगर मुझे ब्रेक करना है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, बट उसी बदले अब मुझे बॉन्ड फॉर्म करना है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या बॉन्ड मुझे एनर्जी देगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो याद रखो इस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड ने मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसी बदले जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, सेम प्रोसीजर सीएल माइनस के लिए होगी, याद रखो सीएल माइनस थोड़ा सा बड़ा आया है, तो इसकी साइज मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कौन सराउंड करेगा, यहाँ पे इसको वाटर सराउंड करेंगे, बट वाटर के कौन से मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, देखो दिवाली आ रही है, तुम लोग ये रंगोली बना सकते हो उस टाइम पे, तो होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ब्रेकिंग बैड, करेक्ट। तो अब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव सीएल को ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इवन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, क्यों, क्योंकि वाटर सराउंड कर रहे हैं, अगर वाटर के बदले HCl या फिर दूसरा कोई मॉलिक्यूल होता तो हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। तो देख लो मस्त डायग्राम है, तो अगेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंड एनर्जी हमेशा बॉन्ड फॉर्म करते वक्त रिलीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड। अब तुम लोगों को मुझे बताना है कि कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, सोडियम या क्लोरीन में, जरा सोचो और आंसर दो, सोडियम में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा या क्लोरीन में, ओके किसी ने क्लोरीन आंसर भेजा है, बाकी के लोग सेकंड में क्लोरीन में, ओके क्लोरीन में, सबका आंसर क्लोरीन ही है क्या, किसी का आंसर सोडियम होगा तो सोडियम सेंड करने वाला कोई रहेगा तो बोलो, ओके तो चलो सबका आंसर क्लोरीन है, और तुम लोग को देख के तो क्लोरीन लगेगा क्योंकि क्लोरीन में दो हाइड्रोजन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोडियम में एक ऑक्सीजन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट इमेजिन करो कि तुम लोग एक कबड्डी का मैच खेल रहे हो, कौन सा मैच खेल रहे हो, तो कबड्डी का, ठीक है। अब कबड्डी के मैच में जयेश, ओके सोडियम है, तो कबड्डी के मैच में तुम्हारे सामने एक क्लोरीन जैसा एक हट्टा कट्टा आदमी आ गया, मोटा सा भारी भरकम, और उसी बदले दूसरी जगह पे तुम लोगों के पास एकदम टुकड़ा दुबला पतला ऐसे सोडियम जैसा आइटम आ गया, तो मुझे बताओ तुम लोग कबड्डी खेलते हो कौन से आइटम को इजिली पकड़ पाओगे, हट्टे कट्टे आदमी को या छोटे आदमी को। तो सिमिलरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, सोडियम में या क्लोरीन में, तो सोडियम में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। याद रखो छोटा जो मॉलिक्यूल रहता है उसको पकड़ के रखना और जकड़ के रखना बहुत इजी होगा, इसलिए सोडियम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अगर सोडियम में हो रहा है तो एनर्जी भी कहाँ पे ज्यादा रिलीज होगी या फिर हाइड्रेशन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो हाइड्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा सोडियम के केस में, और ऑब्वियस है अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रेशन हो रहा है तो एनर्जी भी कहाँ पे रिलीज ज्यादा होगी, सोडियम के केस में। ये कंसेप्ट समझ में आ गए क्या, यही कंसेप्ट हम लोग आगे जाके और यूज करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये समझा होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से निकाल लो, और ज्यादा टाइम अगर लगने वाला रहेगा तो तुम लोगों को फुल डिजाइन करनी रहेगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं तुम लोगों को डायग्राम निकालने के लिए, बट करो जल्दी जल्दी करो। नहीं, यहाँ पे बैलेंस ही मत देखना मीत, कैसा है कि Na प्लस और Cl माइनस इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए बैलेंस ही हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इंटरेक्शन है, याद रखो बॉन्ड फॉर्म करते वक्त हम लोग बैलेंस ही देखते हैं। ये क्या है, तो इट इज अ इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब तू शादी एक बार ही करता है, बट ऐसे थोड़ी ना कि तू और किसी लड़की के साथ बात नहीं करेगा, इंटरेक्ट तो तू एक से ज्यादा के साथ करेगा, समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है, तो दिस इज द इंटरेक्शन। ठीक है ठीक है, ओके okay. तो देखो एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब का कंसेप्ट वापस एक बार देख लेते हैं। समझ लो तुम लोगों के पास ऐसे एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, एक ऐसे बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ऐसे टाइम पे बॉन्ड जब मुझे ब्रेक कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए मैं एनर्जी दूंगा, तो मैं हाइड्रोजन को एनर्जी दूंगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, आया क्या? अब सिमिलरली जिसको डाउट है अच्छे से देख रहा, जब दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने बॉन्ड फॉर्म किया था, ब्रेक किया था, जिसके लिए हाइड्रोजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के बदले हम लोग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर बॉन्ड ब्रेक करने और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर योर वॉइस इज लैगिंग सर, बहुत ज्यादा हो रहा है। सर अभी लैग कर रहा है।
सर तुमचा आवाज अजूनही लॅगच होतोय. ओके आई एम बैक ऑनलाइन. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग जो फैक्टर देखने वाले वो देखने वाले साइज के ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था साइज के बारे में. ठीक है, तो मुझे बताओ साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना
ओके एम आई ऑडिबल? यस सर यू आर ऑडिबल। हेलो ओके बट वापस वो अटक गया है क्या? वीडियो वीडियो पॉज हो गया या इट इज विजिबल? फ्रीज हो गया सर आपका वीडियो। स्क्रीन विजिबल है? नहीं। नो सर। तो लेट्स कंटिन्यू। नाउ जैसे हम लोग अभी क्या देखने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि ऊपर ही हम लोगों ने साइज के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो जरा साइज के बारे में पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, साइज अगर बढ़ जाएगी तो हाइड्रेशन कम होगा या बढ़ेगा? तो साइज बढ़ने के बाद हाइड्रेशन कम हो जाता है, और उससे पहले अगर हाइड्रेशन साइज एकदम छोटी होगी तो अच्छा, ये वाला पार्ट तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का था, इसमें कुछ डाउट है क्या? मतलब ये अगर इधर से ही वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो गया होगा तो बता दो, या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया था? ओके तो देखो होता क्या है, ऊपर अगर हम लोग देखेंगे सोडियम की साइज एकदम छोटी है और क्लोरीन इज अ बल्की आइटम, ठीक है। अब एक सिंपल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, तुम लोगों को कबड्डी खेलने के लिए मैदान में उतार दिया और एक हट्टा कट्टा आदमी आ गया, तो हट्टे कट्टे आदमी को तुम लोग इजिली ग्रैप कर पाओगे, पकड़ पाओगे, या दुबले पतले पतले आदमी को तुम लोग अच्छे से इजिली ग्रैप कर पाओगे? कौन से आदमी को हम लोग इजिली ग्रैप कर सकते हैं, हट्टे कट्टे भारी भरकम आदमी को या छोटे से आइटम को? तो पतले आदमी को, बराबर। तो सिमिलरली यहाँ पे होता क्या है, सोडियम की साइज बहुत छोटी है एंड क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, तो वाटर भी जब ग्रैब करने जाएगा तो सोडियम को इजीली पकड़ पाएगा या क्लोरीन को इजीली पकड़ पाएगा? तो सोडियम को इजीली पकड़ पाएगा, मतलब सोडियम में हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज भी बढ़ेगी ना, हाइड्रेशन मतलब किसी प्रोसेस की वैल्यू बढ़ रही है तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रेशन कम हो रहा है तो इधर भी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइकवाइज यहाँ पे देखो, साइज जितनी छोटी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, एंड साइज जितनी ज्यादा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी। तो साइज और हाइड्रेशन एनर्जी दे आर, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड्रेशन एनर्जी लिख दिया था, तो हाइड्रेशन एनर्जी is inversely proportional to size, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को मैं पूछूं, Na plus, K plus, Rb plus and CS plus, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी होगी, तो कहाँ पे होगी, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी? करेक्ट, सो हम करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। बाकी के लोग साइज वाइज मुझे बताओ, सबसे छोटी साइज किसकी है? सोडियम की। तो याद रखो, जितनी छोटी साइज उतना इजीली हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं, और जितना इजीली हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। बच्चों थोड़ा फास्ट लिखो, और बिकॉज हम लोग बार बार ऊपर तो नहीं जा सकते, अभी जो कुछ बाकी होगा वो जरा वीडियो में से देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग कैरी करते हैं, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतने तुम लोगों के लिए एडवांटेजेस होगा। तो B प्लस टू,
Your voice is lagging again. Okay, hopefully it will not lag enough. Hopefully, let's see. So screen dikh rahi ho, theek hai. Batao, I minus VR minus CL minus and F minus. सबसे ज़्यादा ionization peak, ionization नहीं, height energy किसकी होगी? सर वापिस भी आपकी स्क्रीन एम आई ऑडिबल हेलो तो
होप इट विल नॉट लैग अगेन एंड लेट्स कंटिन्यू. नाउ टेल मी सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे दिखा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. फ्लोरिन में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी. ठीक है तो दैट्स इट. अब साइज के बाद हम लोग दूसरा फैक्टर जो देखेंगे एज यूजुअल हम लोग देखने वाले हैं चार्ज ऑन आयन. ठीक है तो चार्ज ऑन आयन. अब ऊपर जैसे मैंने देखा था सोडियम ओ हाँ साइन उल्टा आएगा यहाँ पे. फ्लोरीन में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो साइन उल्टा. तो अब चार्ज ऑन आयन मुझे बताओ यहाँ पे हो रहा क्या था. सोडियम छोटा सा आयन बीच में था और उसके साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा था तो ऑक्सीजन बाहर से इंटरेक्शन कर रहा था. ठीक है सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज था. वैसे चार्ज अगर बढ़ते जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा. चार्ज अगर बढ़ते जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए. तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए. तो ऑब्वियस है हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेक्शन बढ़ेगा. हाइड्रेशन ज्यादा होगा. हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. तो मुझे बताओ बिटवीन Na प्लस Mg प्लस टू एंड Al प्लस थ्री सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होना चाहिए. Al का होना चाहिए. ठीक है तो Al का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा. Na का हाइड्रेशन सबसे कम होगा. लाइक वाइज अगर मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ F माइनस O माइनस टू N माइनस थ्री सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होना चाहिए. N का होना चाहिए. परफेक्ट तो N का सबसे ज्यादा होना चाहिए. अब जरा गूगली डाल रहा हूं NO2 माइनस एंड NO3 माइनस ज्यादा हाइड्रेशन किसका होना चाहिए. NO2 माइनस एंड NO3 माइनस ज्यादा हाइड्रेशन किसका होना चाहिए. NO2 और NO3 में अब दोनों के ऊपर चार्ज सेम है. हाँ प्रसमेश करेक्ट आंसर है. दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो चार्ज सेम रहेगा तो फोकट में चार्ज में मत देखना. अब साइज देखोगे साइज की छोटी है. NO2 की साइज छोटी है. नाइट्रोजन में इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट. ठीक है इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट एंड एंड इससे हम लोग बोलते हैं सल्फेट. सल्फाइट और सल्फेट में ज्यादा कौन होना चाहिए.
ऑडिबल सर लैग हो रहा है बहुत लैग हो रहा है वॉइस इज ब्रेकिंग देखो यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन सर आपको मैसेज भी जा रहे क्या हाँ हाँ मैसेजेस नहीं जा रहे करेक्ट
थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू.